सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड लाया जाएगा भारत। अजरबैजान गई सुरक्षा एजेंसियों की टीम। पिछले साल हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों में एक गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की एक टीम को अजरबैजान भेजा गया है। सचिन बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा है। ये पिछले साल मई में मूसेवाला की हत्या के बाद फरार हो गया था। सचिन फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से भाग गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के आज रात तक अजरबैजान पहुंचने की उम्मीद है। एक सहायक पुलिस आयुक्त और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के दो इंस्पेक्टर सहित चार अधिकारियों की संयुक्त टीम को सचिन बिश्नोई के भारत प्रत्यापरण को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। सचिन बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यारोपण से हत्याकांड में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले ही सचिन बिश्नोई को अजरबैजान में हिरासत में लिया गया था। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जाने से उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब में मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बराड ने एक फेसबुक पोस्ट में स्वीकार किया था कि उसने बदला लेने के लिए हत्या की योजना बनाई थी। इस मामले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने एक मीडिया हाउस को जेल से दिए इंटरव्यू में कबूल किया था कि अपने एक साथी की हत्या का बदला लेने के लिए उनके गैंग ने ही मूसेवाला की हत्या की थी। बिश्नोई ने कहा था कि इस हत्या की प्लानिंग गोल्डी बराड ने की थी। गोल्डी बराड फिलहाल फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।